टीवीएस रेडर 125 PS6 2022 मॉडल क्यों सबसे बेस्ट बाइक है 125cc सेगमेंट की। बहुत लोग कंफ्यूज हैं 125cc सेगमेंट में किस बाइक के साथ जाएं, तो आज आपको हम इस वीडियो में इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं क्यों ये बाइक सबसे बेस्ट है 125cc सेगमेंट में, क्यों इसके सामने होंडा की SP125, साइन BS6, उसके अलावा हीरो ग्लैमर XX, हीरो सुपर स्प्लेंडर, बजाज पल्सर क्यों इसके सामने ये सब फेल है, आज आपको हम इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम अप टू डेट रखते हैं। चलिए फिर बात करते हैं टीवीएस रेडर के बारे में। ओवरऑल सबसे बड़ी बात इस गाड़ी की स्टाइलिंग है। आप इस गाड़ी की स्टाइलिंग देख सकते हैं। अगर आपको एक बेहतरीन लुक वाली बाइक चाहिए, जिसमें आप इसको स्पोर्टी लुक चाहिए, आप 125cc में 160cc बाइक का फील चाहते हैं कि आप राइड तो करेंगे 125cc बाइक, लेकिन आपको जो फील ओवरऑल मिलेगी, जो लुक एंड फिनिश है, वो आपको 160cc 150cc का फील चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। अगर आप कॉलेज जाने वाले लड़के हैं, आपको एक बेहतरीन बाइक चाहिए, माइलेज आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि आप जानते हैं 160cc लेंगे तो माइलेज तुरंत आपका 40 के आसपास आ जाएगा, लेकिन ये 125cc बाइक ऐसी है कि आपको माइलेज ही 50 के आसपास आराम से निकाल के दे सकती है, 50 प्लस भी निकाल देगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ लुक भी बहुत ही बेहतरीन देती है, तो ऐसा कोई आपको इस गाड़ी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर आप इसे कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर इतना बेहतर लुक आपको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी आपकी जो इसके सेगमेंट की और दूसरी बाइकें हैं, होंडा SP ले सकते हैं, हीरो ग्लैमर XX ले सकते हैं, उतना बेहतरीन ये लुक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी के लिए, जो ओवरऑल आपको इसमें लुक और स्टाइलिंग देखने को मिलती है, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको इसमें स्प्लिट सीट भी प्रोवाइड किया गया है, तो कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज महसूस नहीं होगा, आपको बिल्कुल 160cc वाली फील आने वाली है। उसके अलावा फ्रंट से आप इसका LED हेडलैम्प सेटअप दे सकते हैं, LED डायल्स विद LED हेडलैम्प सेटअप, जो कि बेस्ट इन द सेगमेंट। आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। साइड्स के इंडिकेटर भी बिल्कुल आपको अपाचे 164B वाले देखने को मिलते हैं, तो कंपनी ने कोई भी यहाँ पे प्राइस कटिंग का कोई भी सीन नहीं किया, बहुत ही बेहतरीन ओवरऑल आपको फीचर्स एंड फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बेस्ट आपको LED सेटअप देखने को मिल जाता है 125cc सेगमेंट के हिसाब से। उसके अलावा मीटर कंसोल गाड़ी का बहुत ही दमदार है, तो आपको कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ महसूस नहीं होगा इसके मीटर कंसोल से कि ये फीचर मिसिंग है, वो फीचर मिसिंग है। मीटर कंसोल ओवरलोडेड है और आपको आने वाले 1-2 साल तक बहुत अच्छे ट्रेंड में रखेगा इसके मीटर कंसोल, कभी भी आप मार्केट से आउट नहीं जाएंगे। आने वाले टाइम में अभी कंपनी आपको इसमें जो स्मार्ट कनेक्ट फीचर का अपडेट प्रोवाइड करने वाली है, जैसे ही वो फीचर का अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के थ्रू सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर इसके मीटर कंसोल देखेंगे तो जो आज के टाइम बेसिक फीचर्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो उससे अधिक कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। रियल टाइम माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल टू एम्प्टी, और आपको लगभग अच्छे खासे फीचर्स, गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, इको मोड देखने को मिल जाता है, RPM मीटर देखने को मिलता है, टाइमिंग आपको मीटर कंसोल में शो होती है। तो लगभग जो आज के टाइम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको लगभग सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सारी इंस्टेंट कट ऑफ फीचर भी देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको कंपनी जो एक चीज़ अच्छी ऑफर करती है इस मीटर कंसोल में, हेलमेट रिमाइंडर। अगर आपने हेलमेट वियर नहीं किया तो आपको हेलमेट रिमाइंडर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में, जैसे आप मीटर कंसोल ऑन करेंगे। तो ओवरऑल मीटर कंसोल देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, हेलमेट रिमाइंडर भी आपको टॉप पे ब्लिंक करते हुए मिल जाएगा कोने पे। तो ओवरऑल जो मीटर कंसोल है बहुत ही बेहतरीन है, तो ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी आपको इसके मीटर कंसोल से होनी तो नहीं चाहिए। तो अगर आपको एक दमदार मीटर कंसोल वाली बाइक चाहिए तो बिल्कुल टीवीएस रेडर आपके 125cc में फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल बन सकती है, कि ओवरऑल जो आपको इसमें मीटर कंसोल दिया गया बहुत ही फंक्शनल और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव मीटर कंसोल कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर करती है। बाकी तो ओवरऑल बाइक बहुत ही बेहतरीन है, कोई भी आपको ओवरऑल इस गाड़ी से कॉम्प्रोमाइज महसूस नहीं होगी किसी भी एंगल से आप लोग देख लीजिए। तो अगर आपको 125cc में बहुत ही बेहतरीन मीटर कंसोल चाहिए तो आपके लिए बिल्कुल टीवीएस रेडर फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर बनने वाली है। और आपको यहाँ पे एक हैंडल बार पे साइड में स्विच देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने इको और पावर मोड में गाड़ी को राइड कर सकेंगे, जो कि 125cc में फर्स्ट टाइम में फीचर आया कि आप अपनी गाड़ी को आप चाहें तो इको या पावर मोड में राइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पावर मोड में राइड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पिकअप और अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वहीं पर इको मोड पर अगर राइड करेंगे तो आपका इंजन लॉन्ग टर्म रिलायबल रहेगा और आपको इको मोड में अच्छी खासी माइलेज देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ फंक्शन कंपनी आपको ऑफर करती है, तो जिस तरह से चाहे आप उस तरह से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। अगर आपको पावर एंड फील चाहिए तो आप इसे पावर मोड डाल लीजिए, इको मोड डाल के आप आराम से इजीली राइड कर सकते हैं, सिटी ट्रैफिक में आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं इस गाड़ी को। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। फ्रंट साइड से बात करेंगे तो फ्रंट में आपको कंपनी डिस्क ऑफर कराती है, तो ब्रेकिंग वाइज तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, 240mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी आपको ऑफर कराती है, तो कंफर्टेबल राइड वाइज ओवरऑल गाड़ी बहुत सक्सेसफुल है। कंफर्टेबल राइड वाइज ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये है बेस्ट कंफर्टेबल राइड अगर आप 125cc में ढूंढेंगे तो आप इस बाइक में नहीं निकाल पाएंगे, कि कंपनी जो बैक का सस्पेंशन है वहाँ पे मोरो सॉक देती है, तो उतना शानदार सस्पेंशन नहीं है। उसके अलावा जो सीट में कुशनिंग और बेहतर देखने को मिलनी चाहिए, तो उतना बेहतर सीट में कुशनिंग नहीं है। ये एक इसके लिए डिसएडवांटेज वाली बात रहने वाली है, कि डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लाइट बेस्ट चाहिए, मतलब आप सेगमेंट में बेस्ट कंफर्टेबल लाइट ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है, कि जो सीटिंग पोस्चर है थोड़ा आपको आगे झुकना पड़ता है, तो उतना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। बाकी अगर नॉर्मल राइड करनी है, ऐसी नहीं कि गाड़ी आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लाइट निकाल के नहीं देगी, कंफर्टेबल लाइट गाड़ी बेहतरीन है लेकिन बेस्ट नहीं है, बेस्ट की हम बात कर रहे हैं।
ओवरऑल अगर बात करेंगे तो बेस्ट जो आपको हमने फीचर्स बताया, ओवरऑल गाड़ी की लुक बेस्ट रहने वाली है, उसके अलावा इसका LED सेटअप बेस्ट रहने वाला है, और इस गाड़ी का मीटर कंसोल जिसके लिए आप इस गाड़ी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। उसके अलावा और कुछ बात करें गाड़ी के बारे में तो आपको हम बैक एंड से भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं आपको बैक में LED टेल लैंप कंपनी ऑफर कराती है, तो LED टेल लैंप नाइट विजन में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके साथ ही एक जो अच्छी बात इस गाड़ी मुझे ये लगती है कि इस गाड़ी जो ओवरऑल कंपनी आपको स्टाइलिंग ऑफर की है, उसके अलावा आपको यहाँ पे USB चार्जिंग भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से अपने फ़ोन को आप बिल्कुल इजीली चार्ज कर पाएंगे। जो USB चार्जिंग कंपनी ने पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, उसमें आपको अलग से आफ्टर मार्केट स्लॉट लगवाना पड़ेगा 200-300 रुपये खर्च करके, तो वो आपको आफ्टर मार्केट देखने को मिल जाएगा। बाकी तो ओवरऑल आप लोग गाड़ी की स्टाइलिंग और ओवरऑल डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। बैक में जैसा कि आपको बताया मोनोस्टॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, तो ये जो सस्पेंशन है ये 5 स्टेप के आसपास एडजस्टेबल है, तो आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट नीचे ऊपर कर सकते हैं। किक देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक डिसएडवांटेज की बात है, आप सब जानते ही हैं, तो किक कंपनी को बिल्कुल यहाँ पे ऑफर करना चाहिए। तो ओवरऑल जो गाड़ी है वो किक के बिना भी सही है, कोई दिक्कत परेशानी ओवरऑल नहीं आएगी। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक बेहतरीन बात है, आपको लगभग 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि लगभग अगर आप हीरो ग्लैमर एक्सेक मॉडल होंडा एसपी कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो आप इसे उबड़ खाबड़ रास्ते या गाँव टाइप वाले रास्ते पर भी आप इजिली इसे हैंडल और राइड कर पाएंगे, तो कई हद तक ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप 125 से कोई फीचर वाले बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको अच्छा खासा फीचर देखने को मिल जाए, तो आपके लिए TVS सेटअप बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकती है, क्योंकि 125 सीसी में आज के डेट में इससे ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर करने वाली कोई दूसरी बाइक नहीं है। इतना शानदार LED हेडलैम्प सेटअप, उसके अलावा इतना बेहतरीन लुक आपको आज की डेट में 125 सेगमेंट में कोई और गाड़ी नहीं ऑफर करेगी। तो अगर आपके लिए 3 पॉइंट बड़े मैटर करते हैं, आपको एक बेहतरीन लुक चाहिए, मतलब आप 125 सीसी में लुक वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए TVS फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकती है। उसके अलावा अगर बात करेंगे TVS के बारे में, आपको एक फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए जिसमें आपको मीटर कंसोल दमदार देखने को मिले, आने वाले टाइम में आपको स्मार्ट कनेक्ट फीचर, USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाए, तो आपके लिए बेहतर बाइक रहने वाली है। उसका थर्ड पॉइंट, इसमें आपको LED हेडलैम्प सेटअप कंपनी ऑफर करती है, तो अगर आपको एक फुली LED सेटअप वाली गाड़ी चाहिए जिसमें आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प, बैक में LED टेल लैम्प देखने को मिल जाए, और आप आफ्टर मार्केट इसका जो इंडिकेटर है उसको भी 200-300 लगा के आप LED में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ये तीसरा जो पॉइंट बड़ा रहने वाला है जिसके लिए आप इस गाड़ी से चल सकते हैं। चौथा, इस गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो क्लच ओवरऑल देख सकते हैं, ओवरऑल जो ब्रेकिंग है वो ओवरऑल इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो ऐसी कोई शिकायत महसूस नहीं होगी। उसके अलावा बात करें गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, जो कि कई हद तक ये बहुत अच्छी बात है। आपको जहाँ पे होंडा एसपी 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, वहीं पे गाड़ी उससे 20 mm ज़्यादा 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, तो कई हद तक ये बहुत अच्छी बात है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, हेलमेट रिमाइंडर, जो कि आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी चीज़ बन चुकी है, और लगभग सारी कंपनी को ये चीज़ ऑफर करना चाहिए, क्योंकि मीटर कंसोल ऑन करें तो वहाँ पर आपको हेलमेट का रिमाइंडर दे, ताकि लोग हेलमेट हमेशा वियर करें और जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं थोड़े कम हो जाएं, तो ये एक अच्छी बात रहेगी ओवरऑल। बाकी तो ओवरऑल बाइक को दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बाइक है, कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ महसूस नहीं होगा। तो आपको जो हमने 4 से 5 पॉइंट बताया, अगर ये सब आपके लिए मैटर करें, उसके अलावा इस गाड़ी का इंजन वाइज बात करेंगे तो 124 cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है, 11.2 PS की पावर, 11.3 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो पिकअप और थ्रॉटल रिस्पॉन्स वाइज आपको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है पल्सर इससे बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल के दे देगी, क्योंकि पल्सर का जो पिकअप रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा 125 cc सेगमेंट में। बाकी तो आपको हमने बता दिया। उसके लिए माइलेज की बात करेंगे तो 50+ आप माइलेज इस गाड़ी से गेन कर सकते हैं, आपको 50 से कम माइलेज आराम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू TVS रेडर 125 BS6 2022 मॉडल के बारे में, क्यों आप इसके जा सकते हैं। आपको लगभग हमने 3 से 4 मेन पॉइंट बता दिए, इधर आपको हमने जेन्युइन पॉइंट बताने की कोशिश की और इधर मेन पॉइंट, तो अगर आपके लिए सब पॉइंट मैटर करें तो बिल्कुल आप इस बाइक को जरूर बाइक करिएगा। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को जरूर अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।